जिलाधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह ने करहल तहसील परिसर से जनपद के शहरी क्षेत्र के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 26 जनवरी 2024 तक विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जनपद की समस्त ग्राम पंचायत में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि यात्रा का मकसद केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुँचाना है और पात्र लोगों को योजनाओं से आच्छादित करना है। यात्रा के सफल संचालन को लेकर जिले से लेकर ब्लॉक न्याय पंचायत एवं ग्राम पंचायत स्तर तक अफसरों की जिम्मेदारी दी गई। क्या है, क्या पूरा कार्यक्रम है? देखिए, विकसित भारत संकल्प यात्रा ये सरकार के द्वारा सब जनपद के सभी ग्राम पंचायतों में और सभी नगरीय क्षेत्रों में सभी वार्डों में एक जन जागरूकता का और संतृप्तिकरण का एक कार्यक्रम है जो अनवरत चलेगा। जनपद में पहले भी एलईडी वैन के माध्यम से गांव पंचायतों में ये टीमें जाएंगी और हमारे जो संबंधित विभाग हैं इसमें कई विभाग एक साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। कृषि विभाग इसका नोडल डिपार्टमेंट है और इसमें स्वास्थ्य विभाग का, कृषि विभाग का, उद्यान का, इंडस्ट्रीज़ का, अन्य समाज कल्याण का, हम लोग वहाँ पर स्टॉल लगा रहे हैं। वहाँ पर लोगों की और लाभार्थियों को वहाँ पर इकट्ठा करके सरकार की योजनाओं का सभी आम जनमानस को जानकारी दी जा रही है और जो छूटे हुए पात्र लोग हैं सरकारी योजनाओं से, जो अभी तक वंचित लोग हैं या नए पात्र लोग हैं, उनका वहीं पर फार्म भरवा करके वहीं पर उनका योजना में सम्मिलित करके लाभान्वित करने का काम भी किया जा रहा है। तो सरकार की ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना है और ये 26 जनवरी तक निरंतर चलेगी और इस बीच हम लोग जनपद के सभी ग्राम पंचायतों को और नगर पंचायतों को, नगर पालिकाओं के सभी वार्डों को इससे हम लोग संतृप्त करेंगे। उद्देश्य ये है कि जनपद में कोई भी पात्र लाभार्थी किसी सरकारी योजना के लाभ पाने से वंचित न रहे और सरकारी योजनाओं को सभी तक पहुँचाया जा सके और जो विकसित भारत का माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है उसको जन जन तक पहुंचा करके हर एक की सहभागिता सुनिश्चित कराई जा सके।